हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। टीवीएस ने अपने 125 सी सेगमेंट में एक नई बाइक टीवीएस राइडर 125 को लॉन्च किया है और इस बाइक में कंपनी ने काफी अच्छे अच्छे फीचर्स को भी ऐड किए हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में टीवीएस राइडर में जितने भी फीचर्स दिए गए हैं उसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। लगभग आपको 10 हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं और इस बाइक में जो फीचर्स दिए गए वो आपको काफी पसंद आने वाले हैं। इस बाइक से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दे दिया है। तो अगर आप इस बाइक के कलर, इंजन और बाकी डिटेल्स की जानकारी चाहते हैं तो इसका पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल इसके फीचर्स की बात होगी, तो चलिए सारी बातें डिटेल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प के साथ एलईडी डीआरएस मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें एलईडी स्टाइलिश यूनिक टेल लैंप भी देखने को मिल जाती है। तो इसके अगले फीचर की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा इसमें एसबीटी यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई है, इसमें आपको एबीएस नहीं मिलेगा। तो इसके अगले फीचर की बात करें कंपनी इसमें 5 इंच का टीएफटी कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रही है जो कि टीवीएस स्मार्ट कनेक्ट के साथ आती है, जो कि एक ऑप्शनल है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, जिसमें आपको नेविगेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। स्पीड, फ्यूल, ऑडोमीटर, ट्रिप, गियर पोजिशन इंडिकेटर, हेलमेट रिमाइंडर, ये सारे इन्फॉर्मेशन इसके डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कई सारे इंडिकेटर लाइट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके जो अगले फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको वॉइस असिस्ट मिल जाता है, यानी कि अपने वॉइस के थ्रू कुछ कमांड देकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसके अगले फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स दिया जा रहा है जिसमें इको और पावर शामिल है। इसके इको मोड में आपको माइलेज काफी अच्छी मिल जाएगी। तो इसके पावर मोड में आपको हाई स्पीड देखने को मिल जाएगा। तो इसके अगले फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सीट के नीचे स्टोरेज मिल रही है। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा स्टोरेज किसी बाइक में देखने को मिल रही है। तो इसके अगले यानी कि 7वें फीचर की अगर बात करें तो इसमें आपको ऑप्शनल यूएसबी सॉकेट भी दिया जा रहा है, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसके अगले फीचर की बात करें तो इसमें वाइडर स्प्लिट सीट दी जा रही है। इसके साथ ही इसका सीट हाइट बहुत ही कम रखा गया है, 780mm तक इसकी सीट हाइट है, यानी कि कम हाइट के लोग भी इसे चला सकते हैं। तो इसके अगले फीचर यानी कि 9वें फीचर्स की बात करें तो इसमें इंटेलिगो फीचर भी दिया जा रहा है, यानी कि इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम दिया जा रहा है, जिससे कि ट्रैफिक के समय आपकी फ्यूल की थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो इसके अगले फीचर्स की बात करें जो कि इसका 10वां फीचर है, इसमें आपको साइड डिस्टेंस इंडिकेटर मिल जा रहा है, जो कि सेफ्टी के लिहाज से ये फीचर काफी अच्छी है। तो ओवरऑल मैंने आपको इस वीडियो में 10 फीचर्स के बारे में बता दिए हैं जो कि हाईलाइटेड फीचर है। इसके अलावा भी आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये 10 फीचर आपको काफी पसंद आने वाले हैं, काफी यूजफुल ये फीचर्स हैं। तो इस वीडियो में आपको इसका प्राइस भी बता देता हूँ। तो टीवीएस राइडर 125 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ 77,500 यानी कि 77,500 रुपए तक रखी गई है। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ एक्सरूम प्राइस 85,469 यानी कि 85,469 रुपए तक रखी गई है। ये प्राइस एक्सरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस इससे कम से कम 15,000 से 20,000 रुपए तक ज्यादा हो सकती है। ये बाइक आपको ओवरऑल 1,00,000 के कम प्राइस में ऑन रोड मिल जाएगी। तो टीवीएस राइडर 125 का फीचर्स आपको कैसा लगा, इसकी प्राइसिंग कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में केवल इनके फीचर्स की जानकारी देनी थी, मैंने आपको दे दिया है। बाइक के बारे में डिटेल जानकारी इसके पहले वाले वीडियो मैंने दे दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।